नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। उमेश पाल अपहरण केस में आतिक अहमद की आज प्रयागराज के एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी होगी। अधिकारियों के मुताबिक ये केस 17 साल पुराना है। इससे पहले सोमवार दोपहर से ही नैनी जेल में पुलिस बल की भारी तैनाती कर दी गई है, जबकि मीडिया कर्मियों का जमावड़ा लगा हुआ है। नैनी केंद्रीय जेल के एक उच्च अधिकारी ने बताया कि आतिक अहमद और उसके भाई अशरफ को हाई सिक्योरिटी बैरक में रखा गया है। साथ ही उन्होंने बताया कि वहीं आतिक के बेटे अली को एक अलग बैरक में रखा गया है। प्रयागराज की पुलिस आयुक्त रमित शर्मा के मुताबिक 17 साल पुराने अपहरण के एक मामले में आरोपियों को 28 मार्च को अदालत में पेश किया जाना है। बता दें कि 25 जनवरी 2005 को बसपा विधायक राजू पाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस केस में आतिक अहमद, उसका भाई अशरफ समेत 5 आरोपी नामजद थे, जबकि 4 अज्ञात को आरोपी बताया गया था। इस केस में राजू पाल के रिश्तेदार उमेश पाल मुख्य गवाह थे। बता दें आज कोर्ट में पेशी होगी। हालिया दिनों में उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी सनसनी उमेश पाल हत्याकांड ज्यादा सुर्खियों में है, लेकिन मंगलवार को पूरे देश की निगाहें उमेश पाल अपहरण कांड के फैसले पर है। बता दें कि आज इस पर सुनवाई होगी और इस खबर पर हमारे संवाददाता पवन हमसे जुड़ चुके हैं। पवन, आज एमपी एमएलए कोर्ट में आतिक अहमद और उसके भाई की पेशी होगी, क्या कुछ जानकारी निकल कर सामने आ रही है? बीते कल देर शाम को आतिक अहमद और आतिक अहमद के भाई अशरफ को अलग अलग स्थानों से इसी नैनी सेंट्रल जेल में लाया गया है और आज करीब 11 बजे एमपी एमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा। बता दें कि सन 2006 में उमेश पाल को अपहरण किया गया था। 2007 में उमेश पाल ने दुमनगंज थाने में FIR दर्ज कराई थी, जिसमें 10 लोगों को नामजद किया गया था। हालांकि इस पूरे घटना के दौरान एक अभियुक्त की मौत हो चुकी है तथा आतिक अशरफ सहित कुल 9 लोगों को आज एमपी एमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा। कहा जा रहा है कि आज आतिक और अशरफ तथा अन्य 9 लोगों को सजा सुनाई जाएगी। पहले आप ये तस्वीर है, ये तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में ये नैनी सेंट्रल जेल की वो तस्वीर है और यहाँ पे ये पुलिस कर्मी है जो बीती देर से ही यहाँ पे सुरक्षा के लिए लगाए गए हैं। एक और तस्वीर है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए, वो अंदर प्रिजन वैन आपको दिख रही होगी। उसी प्रिजन वैन से आतिक अहमद को साबरमती जेल से यहाँ लाया गया था और इसी प्रिजन वैन से आतिक अहमद को अभी एमपी एमएलए कोर्ट में भी ले जाया जाएगा। अगर उस प्रिजन वैन की बात कर रहे हैं तो उसमें भी सुरक्षा के व्यापक इंतजाम है। सीसीटीवी कैमरे से लैस है वह प्रिजन वैन और उस प्रिजन वैन में जो सीसीटीवी कैमरा है उसकी मॉनिटरिंग लखनऊ के डीजी जेल कर रहे हैं। तो मतलब साफ तौर पर कहा जा सकता है कि आतिक अहमद की हर एक हरकतों का उत्तर प्रदेश शासन पूरी नजरें बनाए हुए है। तो बिल्कुल तस्वीरें भी साफ दिख रही है कि माफिया डॉन को कितने सुरक्षा के बीच पेश किया जाएगा। जी जी पवन, देखें तो आतिक अहमद पर तमाम धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी उन पर धारा लगी है वो 364 ए की है, जिसमें उम्र कैद और फांसी की सजा है। किसमें बचो, किसमें मरो? अच्छा, जी बिल्कुल, अगर आतिक के पूरे साम्राज्य की बात की जाए तो आतिक के ऊपर करीब सैकड़ों मुकदमे हैं और अशरफ की बात की जाए तो अशरफ के ऊपर भी करीब 50 से ज्यादा मुकदमे हैं। तमाम लूट, हत्या, अपहरण और फिरौती जैसे संगीन मामलों के मुकदमे दर्ज हैं। लेकिन ये सबसे बड़ा इतिहास है कि आज पहली बार आतिक अहमद को सजा सुनाई जाएगी और इस पूरे मामले में आज 17 साल बाद कोर्ट का फैसला आएगा। तो आज पूरे देश की निगाहें आतिक अहमद के इस मामले को लेकर एमपी एमएलए कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रही है। हालांकि अभी कुछ ही समय बचा है, कुछ ही घंटे में आतिक अहमद, अशरफ तथा अन्य आरोपियों को एमपी एमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा और 11 बजे के आसपास एमपी एमएलए कोर्ट में आतिक अशरफ सहित कुल 9 लोगों पर सजा सुनाई जाएगी। जी मयूरी, पवन, जानकारी के मुताबिक लखनऊ से एसटीएफ की एक टीम प्रयागराज के लिए रवाना हुई थी, वो भी आतिक अहमद से पूछताछ करेगी, लेकिन कोर्ट के फैसले आने के बाद ही पता चलेगा कि वो पूछताछ होगी कि नहीं होगी। जी बिल्कुल, अगर पूरे मामले की बात की जाए तो अभी बीते 24 फरवरी को उमेश पाल को दिन दहाड़े गोली और बम मारकर मौत के घाट उतार दिया गया था और इस पूरे घटना के दौरान आतिक एंड कंपनी का नाम पूरी तरीके से सामने आया था। पुलिस
तथा एसटीएफ की टीमें लगातार अतीक एंड कंपनी के गुर्बे करीबियों को गिरफ्तार कर रही है, उनसे पूछताछ कर रही है। तो निश्चित रूप उत्तर प्रदेश एसटीएफ की है जो है चुनौती कह लीजिए उनके लिए है कि उमेश पाल हत्याकांड का कितनी जल्दी खुलासा किया जाए, चूंकि अतीक एंड कंपनी का नाम पूरी तरीके से उमेश पाल हत्याकांड में सामने आया है तथा अतीक का बेटा अशर इसमें मुख्य रूप से आरोपी भी है। तो निश्चित रूप से जो एसटीएफ की टीमें हैं वो लगातार अतीक के करीबियों को उठा रही है, उनसे पूछताछ कर रही है। हालांकि कयास ये भी लगाया जा रहा है कि पुलिस द्वारा सीजीएम कोर्ट पे अतीक अहमद को रिमांड पर लेने की अर्जी दाखिल की गई है, लेकिन अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। अगर सीजीएम कोर्ट द्वारा अतीक अहमद को रिमांड पर देने की अगर अर्जी मंजूर कर ली जाएगी तो निश्चित रूप से एसटीएफ तथा उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा अतीक अहमद से उमेश पाल हत्याकांड को लेकर तमाम वो राज उगलवाने की कोशिश की जाएगी। आज करीब एक महीने बीत जाने के बाद भी अभी तक वो हत्याकांड का खुलासा नहीं हो पाया है। जी मयूरी। पवन देखिए, अतीक पर 100 से ज्यादा केस हैं जिस पर अभी तक उनको कोई भी सजा नहीं है, कोई भी फैसला नहीं सुनाया गया। ये पहली बार होगा जिसमें उनको सजा मिलेगी। जी बिल्कुल, जैसा मैंने पहले बताया कि अतीक के ऊपर करीब 100 से ज्यादा तमाम बड़े आपराधिक मामले के मुकदमे हैं और अतीक का पूरा कुनबा कहा जाता था कि अतीक का सिक्का चलता था। हालांकि जो तस्वीरें हैं और पिछले रिकॉर्ड की बात की जाए तो निश्चित रूप से उन पूरे रिकॉर्ड को देख के कहा जा सकता है कि अतीक को यूं ही माफिया डॉन नहीं कहा जाता है। और तमाम ऐसे जो अभी तक आपराधिक घटनाएं सामने आई थी उनसे बिल्कुल ये साफ तौर पर जाहिर होता है कि अतीक का साम्राज्य प्रयागराज के या पूरे पूर्वांचल में किस तरीके से था। तो हालांकि पुलिस की टीमें लगातार पूरे मामले को लेकर जो है उमेश पाल हत्याकांड मामले को लेकर लगातार पूरी टीमें जो है वो अतीक के करीबी और अतीक के गुर्गों की तलाश में जुटी हुई है। लेकिन अभी जो मामला है वो बीते 2007 का है जब उमेश पाल के अपहरण के मामले का मुकदमा धूमनगंज थाने में दर्ज कराया था। उसी मामले को लेकर आज MP MLA कोर्ट में इसमें फैसला आना और कहा जा रहा है कि अतीक सहित कुल 9 लोगों पर सजा सुनाई जाएगी। जी अतीक, जानकारी के मुताबिक कोर्ट के बाहर अतीक के समर्थकों का भी जमावड़ा लग सकता है, उसको लेकर पुलिस ने क्या कुछ तैयारियां की हैं? जी बिल्कुल, अगर पूरे सुरक्षा की बात की जाए तो जब अतीक अहमद को साबरमती जेल से प्रयागराज लाया जा रहा था उस दौरान भी करीब 45 पुलिसकर्मियों की टीमें थी जिसपे एक DSP, तमाम पुलिसकर्मी और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। CCTV कैमरे से लैस प्रिजन वैन में रखकर अतीक अहमद को प्रयागराज लाया गया था। तो आज जब MP MLA कोर्ट में पेश किया जाएगा तो सुरक्षा के मद्देनजर वहां भी पुलिस की टीमें तैनात की गई हैं। और ये देखिए, ये सेंट्रल जेल की वो तस्वीर है जहां पर अतीक अशरफ सहित तमाम वो आरोपी हैं जिनको आज MP MLA कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो सुरक्षा के कड़े इंतजाम कहे जा सकते हैं। हालांकि अतीक अहमद का जो साम्राज्य है उससे कहा जा रहा था कि अतीक के तमाम जो समर्थक है वो भी होंगे, लेकिन जिस तरीके से सुरक्षा की व्यवस्था की गई है तो निश्चित रूप से सुरक्षित तरीके से अतीक अहमद को MP MLA कोर्ट में पेश किया जाएगा। और कहा यह भी जा रहा है कि सजा सुनाने के बाद संबंधित जेल में अतीक अहमद को पहुंचाया जाएगा। जी अतीक, ये जो पेशी होगी कितने बजे होगी और अतीक को कितने बजे तक कोर्ट ले जाया जा सकता है? हालांकि जो प्रिजन वैन है वो यहाँ आ चुकी है और सुरक्षा से पूरी तरीके से लैस है, उसमें CCTV कैमरे लगाए गए हैं और CCTV कैमरे की मॉनिटरिंग DG जेल द्वारा की जा रही है। और उसी प्रिजन वैन से करीब 11 बजे के आसपास अतीक अहमद को MP MLA कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो 11 बजे के आसपास का जो समय है उसी समय अतीक को सजा सुनाई जाएगी और यही समय जो है अभी तक सामने आया है। हालांकि कितने बजे तक यहां अतीक को निकाला जाएगा अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन जिस तरीके से यहां पे पुलिस कर्मी और सुरक्षा की हलचल बढ़ी है तो कहा जा रहा है कि कुछ ही मिनटों बाद यहां अतीक अहमद को कोर्ट के लिए ले जाया जाएगा। जी पवन, नैनी जेल से कोर्ट तक की दूरी कितनी है और क्या कुछ सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं जब तक उन्हें कोर्ट ले जाया जाएगा? बिल्कुल, एक बार फिर मैं आपको सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पे दिखा दूँ। देखिए, ये वो सेंट्रल जेल है और अंदर से मैं आपको ये तस्वीर दिखाऊँ। देखिए, यहाँ पे तमाम जो है पुलिसकर्मी लगाए हैं, पूरी तरीके से सुरक्षा लैस है। और ये वही सेंट्रल जेल की दीवार है जिसके अंदर अतीक अहमद, अशरफ तथा अतीक का बेटा अली भी बंद है। और इस पूरे मामले को लेकर बीते कल से ही यहाँ पे पुलिस PAC के जवान लगाए गए हैं। वो प्रिजन वैन गाड़ी लाई गई है जिससे अतीक अहमद को MP MLA कोर्ट में ले जाया जाएगा। तो बिल्कुल तस्वीरें साफ तौर पर दिखा रही है कि प्रशासन किसी भी तरह की कोई चूक नहीं करना चाहता है और इस तरीके से करीब 1300 किलोमीटर का लंबा सफर तय करने के बाद गुजरात से अतीक को प्रयागराज लाया गया है। उतने ही सुरक्षित तरीके से MP MLA कोर्ट में अतीक को पेश किया जाएगा। जी धन्यवाद पवन तमाम जानकारियों के लिए। अलर्ट मोड पर
पुलिस है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कुछ ही देर में अतीक अहमद और उसके भाई और बेटे को कोर्ट में पेश किया जाएगा। बता दें अतीक अहमद नैनी जेल में रखा गया है। तमाम आरोपी नैनी जेल में हैं, जिनको अभी कुछ ही देर में पेश किया जाएगा। बता दें आज अतीक अहमद की प्रयागराज कोर्ट में पेशी होगी। बता दें बहुचर्चित उमेश पाल हत्याकांड में फैसले की घड़ी आ गई है। अदालत ने फैसला सुनाने से पहले माफिया अतीक अहमद और उसके छोटे भाई खालिद उर्फ अशरफ के कड़ी सुरक्षा इंतजामों के बीच प्रयागराज लाया गया। सोमवार की शाम 2:29 पर माफिया अतीक को लेकर पुलिस का काफिला नैनी सेंट्रल जेल पहुंचा। अतीक की अभिरक्षा में 2 IPS समेत 45 पुलिसकर्मी शामिल रहे। अतीक को हाई सिक्योरिटी बैरक में रखा गया है। जेल के आसपास का इलाका छावनी में तब्दील कर दिया गया है। बता दें कि अहमदाबाद की साबरमती जेल से निकले अतीक के लिए रात किसी कयामत से कम नहीं थी। तमाम शक और आशंकाओं के बीच माफिया का 1300 किलोमीटर का सफर गुजरा। साबरमती जेल से वज्र वाहन से सवार अतीक का सुरक्षा घेरा प्रयागराज तक बढ़ता ही गया। जिस राज्य जिले की सीमा से अतीक पहुंचने वाला था वहां फोर्स पहले से मुस्तैद रही। शाम को अतीक पुलिस के काफिले के साथ नैनी सेंट्रल जेल पहुंचा। और इस खबर पर हमारे संवाददाता गौरव हमसे जुड़ेंगे। गौरव, बहुचर्चित उमेश पाल अपहरण कांड में आखिरकार फैसले की घड़ी आ गई है। कुछ ही देर में उमेश पाल और उसके भाई और बेटे को कोर्ट में पेश किया जाएगा। यहाँ पर अगर हम बात करें तो उमेश पाल जो मामला था, अपहरण वाला मामला, 28 फरवरी 2006 का मामला था। अगर हम बात करें 25 जनवरी 2000 बाद में राजू पाल की हत्या हुई थी, इसके बाद से लगातार उमेश पाल वहाँ पर सरकारी गवाह के रूप में यहाँ पर अपनी बात रख रहे थे। उसके बाद जब उनको अतीक अहमद को ये महसूस हुआ था कि उमेश पाल की गवाही से हमको यहाँ पर तकलीफ हो सकती है, उसके बाद उमेश पाल का अपहरण का यहाँ पर साजिश की गई और 28 फरवरी 2006 में उमेश पाल की यहाँ पर अपहरण का प्रयास किया गया और अपहरण करके उनसे जबरन बयान लिखवाया गया। ऐसी बात उन्होंने अपने सूत्रों के माध्यम से कही थी कि जबरन हमारा अपहरण किया गया था और हमसे दोस्ती यहाँ पर बयान लिखवाया गया था। उसके बाद एक साल की खुद की पैरवी के बाद यहाँ पर मामला दर्ज हुआ था और मामला दर्ज होने का लगातार सुनवाई चल रही थी। हम दिशा देख रहे थे अतीक अहमद की अगर बात करें तो सैकड़ों केस उसके ऊपर दर्ज है, पर उसके बावजूद अभी तक कोई मामले में सुनवाई नहीं हो रही थी और सबसे पहले सजा नहीं हो रही थी। लगातार न्यायपालिका को धता बताकर यहाँ पर तारीफें पर तारीखें ली जा रही थी, पर इसके अलग यहाँ पर नई प्रकटा की शुरुआत होते हुए यहाँ पर अतीक अहमद को यहाँ साबरमती जेल से और नैनी जेल लाया गया है सड़क के रास्ते। 30 घंटे का लंबा सफर, 1300 किलोमीटर की यात्रा के बाद अतीक अहमद फिलहाल नैनी के सेंट्रल जेल में मौजूद है। कुछ समय बाद अभी MPML कोर्ट पहुंचने वाले हैं। वहां पर गाड़ी पहुंच चुकी है, वज्र वाहन पहुंच चुके हैं, पुलिस की यहाँ पर पूरी चाकचौबंद व्यवस्था है। अगर आप बता दें कि इस मामले की सुनवाई होने वाली है, सुनवाई के बाद यहाँ पर महत्वपूर्ण बात है, आज इस मामले में फैसला आएगा तो निश्चित रूप से यहाँ पर 18 साल बाद फैसला आ रहा है और फिलहाल इस एक जरूर यहाँ पर दर्द लोगों को होगा कि जिसके लिए फैसला आ रहा है वो फिलहाल वो उमेश पाल इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि अभी हाल में 24 फरवरी 2023 को उनकी हत्या कर दी गई थी। सरेआम जिस तरह से हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, कहीं ना कहीं मयूरी यहाँ पर एक सजा का ऐलान होने वाला है। उमेश पाल के परिजनों को यहाँ पर सुकून का भी एहसास होगा, सजा क्या मिलती है, कितनी बड़ी सजा मिलती है, गौरतलब होगा। फिलहाल यहाँ पर अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ दोनों को यहाँ पर एक सजा मिलने वाली है और सजा क्या होगी वो फिलहाल भविष्य के गर्भ में निहित है, पर यहाँ पर प्रयागराज के लोगों के लिए और देश के तमाम जो जनता है उनके लिए एक बड़ा फैसला यहाँ पर आने वाला है और ये फैसला एक संदेश लेके जाएगा कि जरायम की दुनिया में कोई भी कितना भी बाहुबली हो पर एक दिन उसको कोर्ट के माध्यम सजा भी मिलती है और उसको यहाँ पर अपने कर्मों का फल चुकाना पड़ता है। जी मयूरी। गौरव, देखिए अतीक अहमद पर तमाम धाराएं लगी हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी धारा है वो 364A की है, जिसमें उनको उम्र कैद और फांसी की सजा हो सकती है। जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि अगर हम बात करें 364 की धारा, 143, 148, 504, 323, 506 तमाम उनके ऊपर धाराएं लगी हैं। और अगर इस मामले की बात करें तो तमाम धाराएं ऐसी इसमें उम्र कैद से लेकर मृत्यु दंड तक का प्रावधान है। अब फिलहाल कोर्ट यहाँ निश्चित करेगा उसको क्या देना है, क्योंकि अगर एक यहाँ पर एक धारा की बात नहीं, हर धारा में अलग अलग सजाएं होती है। उन सजा का अगर हम देखा जाए तो कोर्ट का अपना निर्णय होता है, जज का अपना विवेक होता है, MPBL कोर्ट का जज क्या इसमें अपना निर्णय देता है। अगर हम बात करें 7 साल 10 साल उम्र कैद मृत्यु दंड तक का प्रावधान है,
अब कोर्ट क्या सजा देता है या फिर खैर अभी स्पष्ट नहीं है, ये सुनवाई के बाद और उसके बाद सजा का जब ऐलान होगा तब स्पष्ट हो पाएगा। और फिलहाल निश्चित रूप से यहाँ पर जो इसकी सजा का ऐलान है उसको लेकर लगातार जो सरगर्मियां बनी हुई है जनता के मन में भी और प्रशासन के मन में भी, सरकार के मन में भी, उमेश पाल के परिजनों के मन में भी, और तमाम ऐसे लोग जिनको अतिक्रमण द्वारा आतंकित किया गया था, परेशान किया गया था, तमाम तरह की हत्या, हर फिरौती, रंगदारी के मामले उसके ऊपर दर्ज है, तो कहीं ना कहीं सबके लिए यहाँ पर राहत की सांस होने वाली है। और सजा क्या होगी, आने वाले समय में कितनी और मामलों में राजनीतिक हमको सजा मिलने वाली है, फिलहाल आने वाले समय बताएगा। जी धन्यवाद गौरव तमाम जानकारियों के लिए। बता दें कि अतीक अहमद पर 147, 148, 149, 323, 341, 504, 506 और 342, 364, 34, 120 बी की आईपीसी व सातवां आपराधिक दंड विधि संशोधन अधिनियम के तहत धाराएं लगाई गई हैं। बता दें कि उमेश पाल अपहरण कांड में सभी आरोपित के विरुद्ध जो आरोप लगाए गए हैं इसमें भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराएं शामिल हैं, जिनमें सबसे बड़ी धारा आईपीसी की धारा 364A जो कि अपहरण के लिए दंड का प्रावधान करती है। जिला शासकीय अधिवक्ता ने बताया है कि आजीवन कारावास व फांसी और जुर्माने की व्यवस्था है इस धारा में। जो भी व्यक्ति का अपहरण करता है या अपहरण के बाद किसी व्यक्ति को हिरासत में रखकर जान से मारने या चोट पहुंचाने की धमकी देता है या उसके आचरण से किसी एक उचित आशंका पैदा होती है, ऐसे व्यक्ति को मौत या चोट पहुंचाई जा सकती है, वह मौत की सजा या कारावास, जीवन और जुर्माना के लिए भी उत्तरदायी होगा। बताते हैं MP MLA कोर्ट में आज सुनवाई होगी। विपक्ष समेत सभी छोटे बड़े राजनीतिक दलों की निगाहें रहेंगी। माफिया अतीक को लेकर इन दिनों राजनीति भी गर्माई हुई है। ऐसे में प्रयागराज में अदालत में आने वाला फैसला नाजिर बनने का सलीखा होगा। MP MLA कोर्ट के बाहर दिग्गज वकीलों का तो जमावड़ा होगा ही, साथ ही अतीक, अशरफ और गैंग मेंबरों पर मुकदमा दर्ज कराने वाले जरूर पहुंचेंगे। अतीक समर्थकों के जमावड़े को लेकर पुलिस प्रशासन फिक्रमंद है। मंगलवार को जिला अदालत के सुरक्षा इंतजाम परिंदा भी पर ना मार सके, सरीखा करने की कवायद है। पुलिस, PAC, RPF की तैनाती के साथ खुफिया व STF की टीमें निगरानी रखेंगी। उमेश पाल हत्याकांड जिस तरीके से अंजाम दिया गया इसके बाद तो सरकारी वकीलों ने भी कोर्ट के आसपास सुरक्षा को लेकर पत्र लिखा है। उधर देर रात नैनी जेल में अशरफ की बैरक बदल दी गई। बता दें अतीक अहमद के खिलाफ विभिन्न थानों में 101 मुकदमे दर्ज हैं। हत्या और अपहरण के संगीन मुकदमों की जांच CBC, ID और CBI भी कर चुकी है। पिछले 4 दशक से प्रयागराज में खूनी खेल खेलने वाले अतीक अहमद को कोई भी एजेंसी अभी तक सजा नहीं दिला सकी है। CBI कोर्ट में भी अतीक सनसनीखेज मर्डर के मामले में बरी हो चुका है। अतीक अहमद के करीबी बताते हैं कि बिहार में दर्ज अपहरण और हत्या के मामले में वह भी क्लीन चिट पा चुका है, जिसका प्रयागराज पुलिस ने आपराधिक रिकॉर्ड में जिक्र नहीं है। 1995 में CBI कोर्ट में बरी नवाबगंज के रहने वाले वकील मुस्तफा के दो भाई की हत्या हुई थी। उन्होंने शातिर अपराधी अख्तर पर आरोप लगाया था। इस मामले में अतीक का नाम प्रकाश में आया। इस केस की जाँच CBI को सौंप दी गई। फरवरी 2017 में CBI कोर्ट ने अतीक अहमद को बरी कर दिया। बता दें उमेश पाल अपहरण कांड का फैसला MP MLA कोर्ट में अतीक अहमद, अशरफ समेत सभी आरोपियों के समक्ष मंगलवार को सुनाया जाएगा। अदालत के समक्ष फैसले के लिए नियत तारीख पर संबंधित मुकदमे की सुनवाई का दृश्य कुछ इस प्रकार होगा। फैसले को सुनाने के लिए न्यायाधीश डॉक्टर दिनेश चंद्र शुक्ला न्यायालय कक्ष में आकर न्यायाधीश की कुर्सी पर पीठासीन होंगे। फैसले के मुकदमे से संबंधित पत्रावली एवं निर्णय उनके समक्ष रखा जाएगा। अतीक, अशरफ समेत सभी आरोपियों के नाम की पुकार लगाई जाएगी। इसके बाद सभी आरोपितों को कटघरे में खड़ा किया जाएगा। STF के एक अफसर का कहना है कि अतीक उमेश पाल की हत्या का मुख्य साजिशकर्ता था। यह बात अब तक की पड़ताल में साफ हो चुकी है। अतीक ने जेल में साजिश रची और बाहर उसकी पत्नी शायस्ता ने अपने बेटे असदवान सूत्रों के जरिए अमली जामा पहनाया। इसी आधार पर STF की
को उम्मीद है कि अगर अतीक व अशरफ से पूछताछ की जा सकी तो कुछ ना कुछ तत्व उमेश की हत्या से जुड़े जरूर मिलेंगे, बस आमना सामना होना बाकी है। बता दें कि ये कोर्ट के फैसले के बाद सामने आएगा कि पूछताछ होती है या नहीं। आपको बता दें अतीक अहमद गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश के बाद चौथे राज्य उत्तर प्रदेश पहुंचा। अहमदाबाद में रविवार शाम 5:45 पर काफिला चला। श्यामलाजी होते हुए शाम 7:12 पर साबकांटा पहुंचा, फिर उदयपुर रात 10:07 पहुंचा। 3:30 पहुंचा झांसी में। अतीक को रिजर्व पुलिस के पुलिस लाइन में रोका गया। 1.25 आराम के बाद फिर सफर शुरू हुआ। बता दें माफिया अतीक और अशरफ के परिवार वालों को एक एनकाउंटर का डर सबसे ज्यादा सता रहा था। अशरफ को सोमवार की सुबह बरेली जेल से निकाला गया। उसकी पत्नी जैनब फातिमा और बहन आयशा समय पर बरेली पहुंच गई, जबकि दूसरी बहन शाहिन राजस्थान से अतीक को लेकर आ रहे वाहनों के पीछे लग गई। हालांकि बहनों और अशरफ की पत्नी ने माना कि यूपी सरकार कड़ी सुरक्षा के बीच दोनों को प्रयागराज ला रही है। बता दें हालिया दिनों में उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी सनसनी उमेश पाल हत्याकांड ज्यादा सुर्खियों में है, लेकिन आज पूरे देश की निगाहें उमेश पाल अपहरण कांड के फैसले पर होगी। पहले राजू पाल हत्याकांड की पैरवी के बाद खुद के अपहरण कांड की पैरवी में रातों दिन गुजारने वाले उमेश पाल अब दुनिया में नहीं रहे, लेकिन दर्ज मुकदमे में माफिया अतीक, उसके भाई अशरफ और अन्य को फैसला सुनाया गया है। इससे पहले अतीक, अशरफ समेत अन्य आरोपित हाजिर अदालत होंगे। बता दें प्रयागराज के MP MLA कोर्ट की सुनवाई पर सत्ता पक्ष विपक्ष समेत सभी छोटे बड़े राजनीतिक दलों की निगाहें रहेंगी। माफिया अतीक को लेकर इन दोनों राजनीतिक भी गरमाई हुई है। ऐसे में प्रयागराज में अदालत में आने वाला फैसला नाजीर बनने का सरीखा होगा। अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।